आईफोन 15 वर्सेज रेडमी नोट 12 प्रो। तो गाइज आज मैं करने वाला हूँ इसी दोनों फोन का कैमरा टेस्ट, कैमरा कंपैरिजन, इंडोर आउटडोर बहुत सारे फोटोज और वीडियोज मैंने क्लिक की है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि आईफोन 15 के अंदर जो 48 मेगापिक्सल का है वो वाकई में काम करता है या सिर्फ ऐसे ही नाम का चिपका दिया एप्पल ने। तो प्लीज़ वीडियो को बिना स्किप के एंड तक देखे रहे, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिएगा ताकि ऐसे ही वीडियो में आप तक पहुँचाते रहे। हेलो वेलकम दोस्तों, मैं किशोर, आप देख रहे हो राधा बीट्स। तो आइए चले देखते हैं। दोस्तों हमारे पास iPhone 15 और Redmi Note 12 Pro। तो गाइस बात करते हैं पे Redmi Note 12 Pro की, तो यहाँ पे आपको ट्रिपल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 50 मेगापिक्सल का सोनी IMX766 विथ OIS कैमरा देखने को मिल जाता है, प्लस 8 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं यहाँ पे iPhone 15 की, तो यहाँ पे आपको ड्यूअल रियर कैमरा सेटअप देखने को मिल जाता है, जहाँ पे प्राइमरी कैमरा लगा हुआ है 12 मेगापिक्सल का प्लस 48 मेगापिक्सल। और गाइस बात करते हैं दोनों फोन के फ्रंट साइड की, तो यहाँ पे आपको Redmi Note 12 Pro के अंदर एक 16 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। और गाइस बात करते हैं iPhone 15 की, तो यहाँ पे आपको एक 12 मेगापिक्सल का सेल्फी कैमरा देखने को मिल जाता है। तो गाइस जैसे ही इस दोनों फोन का आप कैमरा ऐप ओपन करते हो, तो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाते हैं। तो इस सभी फीचर्स को यूज़ करते हुए इसे मैंने ढेर सारे फोटोज़ और वीडियोस क्लिक किए हैं जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूँ, ताकि आपको पता चल जाए कि इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट है। वैसे वीडियो के लास्ट में मैं मेरा ओपिनियन भी देने वाला हूँ कि मुझे पर्सनली इन दोनों में से किसका कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी। तो आइए चलिए देखते हैं कुछ फोटोज़ एंड वीडियो सैंपल। तो दोस्तों ये जो वीडियो देख रहे हो मैंने इसी Redmi Note 12 Pro 5G और इसी iPhone 15 के फ्रंट कैमरा को यूज़ करते हुए क्लिक की है, यानी कि इन दोनों में से किसी एक स्मार्टफोन से आप व्लॉगिंग वगैरह करते हो तो इसका ऑडियो और वीडियो क्वालिटी जो आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाती है। तो फ्रेंड्स आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी, कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। We'll be right back.
तो दोस्तों अभी जो हमने फोटोज एंड वीडियो सैंपल देखे, मैंने इसी iPhone 15 और इसी Redmi Note 12 Pro 5G के फ्रंट और रियर कैमरे को यूज करते हुए क्लिक किए थे। तो गाइस आपको इन दोनों में से किसके कैमरा क्वालिटी बेस्ट लगी कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। और दोस्तों बात करते हैं मेरे पर्सनल ओपिनियन की, तो मुझे पर्सनली iPhone 15 का कैमरा क्वालिटी अच्छी लगी। यू नो उसके अंदर जो 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा है वो वाकई में काम करता है, ऐसा ही नहीं है कि सिर्फ नाम का चिपका दिया है। और Redmi Note 12 Pro देखा जाए तो उसकी प्राइस के हिसाब से उसका कैमरा क्वालिटी भी ठीक ठाक है, यानी कि आपकी जेब गर्म है और आपको स्पेशली कैमरे के लिए ही कोई भी एक स्मार्टफोन जो बाय करना है तो यू शुड बाय आईफोन 15। तो इफ यू गाइस के आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, अगर आपका कोई भी सुझाव हो तो नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताना। एंड अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो, क्योंकि मैं रोजाना ऐसे ही वीडियो लेकर आता रहता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आज के इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू सो मच, बाय बाय फ्रेंड्स।